दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले पूर्वांचल जनता पार्टी सेक्युलर ने अपना परचम लहरा दिया है। पूर्वांचल जनता पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी सूर्योदय रैली की, जिसमें पार्टी से सभी कार्यकारिणी सदस्य समेत कार्यकर्ता मौजूद थे। इस पार्टी के अध्यक्ष सतीश चंद्रा हैं और राष्ट्रीय संयोजक मुकेश सिंह हैं। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा राष्ट्रीय संयोजक मुकेश सिंह ने। मैं देखिए, जिस तरह से हमारी पूर्वांचल जनता पार्टी की आबादी है, पूर्वांचल के लोगों की आबादी है, हम पूरे बहुमत में आ रहे हैं एमसीडी में। 272 में हम मान के चल रहे हैं कि कम से कम 200 सीट हमारी आएगी और हमारी खुद की सरकार बनेगी, तीनों ही एनडीएमसी, ईडीएमसी और एसडीएमसी में, तीनों में मेयर हमारा होगा और हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। 15 साल से बीजेपी की सरकार है एमसीडी में, जनता जान रही है कि किस तरह से हर वर्ष बारिशों में वो नरक की जिंदगी हो जाती है कॉलोनियों में। कांग्रेस ने 15 साल राज किया दिल्ली में, क्या स्थिति, कितनी भ्रष्टाचार, कितना घोटाला हुआ सबको पता है। और रही बात जो हवा हवाई झूठे वादों के साथ केजरीवाल सरकार आई, किस तरह से जनता को छल किया है, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हम सबसे आगे हैं।